मैकेनिक भाई को नमस्कार और आप देख रहे हो एफआई बाइक टेक्निकल यूट्यूब चैनल। 2014 मॉडल बाइक है और इसके अंदर इंजन साउंड की प्रॉब्लम है, यानी कस्टमर ने इसका इंजन हल करवाया था 20 दिन पहले और इसमें टाइमिंग चेंज जैसा साउंड आ रहा है। तो ये किस चीज़ का साउंड है? तो भाई यदि कोई इंजन करेगा तो इसमें टाइमिंग चेन किट तो पुराना डालने से रहा, तो इसमें दिक्कत कहाँ पे हो सकती है? तो सबसे पहले मैं आपको बाइक को स्टार्ट करता हूँ और आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो जैसा कि मैंने इसमें टैपिट भी सेट किया, तो टैपिट थोड़े बहुत लूज़ थे तो उनको मैंने प्रॉपर सेट कर दिया है और उसके बाद में भी इसमें टाइमिंग चेन जैसा साउंड आ रहा है, यानी कि हेड के अंदर से। तो भाई इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तो सबसे पहले मैं आपको बाइक को स्टार्ट करके इंजन का साउंड आपको थोड़ा बहुत सुना देता हूँ ताकि आपको भी पता चल सके कि ये किस प्रकार से साउंड कर रही है। तो सबसे पहले मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद में इसमें प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली मैं वो बताऊँगा और इसको पूरा खोलने वाला हूँ मैं और देखने वाला हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये बाइक स्टार्ट है और मैं आपको इसके इंजन का साउंड सुना देता हूँ। तो ये देख सकते हो टाइमिंग चेंज जैसा साउंड आ रहा है इंजन के अंदर से और मैंने इसके टैपिट भी पूरी तरीके से कंप्लीट और जो कंपनी अकॉर्डिंग सेटिंग होती है वो पूरी तरीके से कर ली है और फिर भी इसमें टाइमिंग चेन का कोई इशू नहीं है, टाइमिंग चेन बिल्कुल नहीं है और किट में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? इसमें टाइमिंग चेन कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि टाइमिंग चेन सही है इसकी, फिर भी इसके अंदर से ऐसा साउंड आ रहा है। तो ये किस चीज़ का साउंड है? तो मेरे हिसाब से जो इसके रोकर और कैम है वो कटी हुई है। तो इसको सबसे पहले एक बार इसको खोल लेते हैं और फिर मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि इसके अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम यही थी या फिर कुछ और थी। पहले मैं आपको दिखा दूँ इसके अंदर जो इसके टैपिट ढक्कन है इनको ओपन करते हैं और इनकी टैपिट की ल्यूजिंग चेक करवा देता हूँ मैं आपको सबसे पहले। तो ये मैंने ऊपर नीचे के दोनों टैपिट कवर इस प्रकार से इसको ओपन कर लिया है और ये इनके अंदर आपको लूजिंग चेक करवा देता हूँ मैं, यानी कि साइड की प्ले ऊपर नीचे की प्ले बिल्कुल भी नहीं है। और उधर चलकर मैं आपको इसकी टॉप टाइमिंग भी दिखा देता हूँ। तो ये मैं बाइक के आ गया लेफ्ट साइड में, इस टाइम यानी कि जो पिस्टन है वो बिल्कुल टॉप पे है और इस वाले टैपिट की मैं आपको प्ले चेक करवा दूँ, यानी कि साइड की प्ले ऊपर नीचे की प्ले बिल्कुल भी नहीं है और इसके अंदर भी साइड की प्ले है ऊपर नीचे की बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी ये टाइमिंग चेंज जैसा साउंड आ रहा है इसके अंदर से। तो यानी कि इससे कन्फर्म होता है कि या तो इसके रोकर कटे हुए हैं या फिर जो इसकी कैम शाफ्ट है वो कटी हुई है। तो फटाफट से इनको खोलते हैं और कैम शाफ्ट और रोकरों को बाहर निकालते हैं और जो इसकी टाइमिंग है वो भी बिल्कुल परफेक्ट मिली हुई है। और इधर से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर रहती है ये और उधर से भी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है टाइमिंग। और इधर से मैं आपको दिखा दूँ, ये भी बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है यहाँ पे। तो इसकी कैम कटी हुई है या फिर इसके रोकर सेट कटा हुआ है। तो फटाफट से मैं इसकी कैम को निकालता हूँ, सबसे पहले टाइमिंग चेन को जो फ्राई व्हील ये चक्का है इसके नीचे अपने को उतारना होगा। तो ये मैंने इसके अंदर जो रोकर है उनको पूरी तरीके से ढीला कर लिया है ऊपर नीचे के और अब मैं जो इसकी कैम शाफ्ट होती है इसको बाहर निकाल लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये देख सकते हो जो भी दिखाएंगे वो बिल्कुल आपके सामने प्रॉपर होगा। तो ये इसकी कैम शाफ्ट है और ये यहाँ से कटी हुई है, ये देख सकते हो ऊपर से यहाँ से कटी हुई है, यानी यहाँ पे यहाँ से और जो इधर वाला है वो भी यहाँ से, और कोई स्क्रेचेस नहीं है इसके अंदर, ये देख सकते हो यानी कि बिल्कुल सही है ये वाली। तो इसमें एक दिक्कत कहाँ पे है? यहाँ पे और एक यहाँ पे, बस इसमें तो ये दिक्कत है। और जो अंदर मैं इसके रोकर दिखा दूं आपको, तो मैं यहाँ से इसके रोकर दिखाने की कोशिश करता हूँ और मैं इन पर अंगुली लगाता हूँ तो ये बिल्कुल फ्रेश है, यानी कि इनमें दिक्कत नहीं है, इनके अंदर दिक्कत नहीं है, यानी कि अंगुली से पूरा पता चल रहा है यहाँ पे इनमें दिक्कत नहीं है। यानी कि दिक्कत कहाँ पर है? जो इसकी कैम है उसी के अंदर दिक्कत है। तो फटाफट से मैं इसके अंदर
दूसरी वाली कैम इंस्टॉल करता हूँ, कोई इसका साउंड चेक करवाता हूँ। तो मैं भाई इसके अंदर ये वाली कैम डालने वाला हूँ, ये देख सकते हो, ये बिल्कुल फ्रेश कैम है और कहीं पे भी कोई स्क्रेचेज नहीं है जो आपको ये ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। ये इसमें स्क्रेचेज नहीं है, ओनली लकीरें हैं। और यहाँ से भी चेक करवा दूँ आपको तो ये देख सकते हो बिल्कुल फेस सही है, यानी कि खुरदरा नहीं है, यहाँ से फेस इसका खुरदरा नहीं है। और ये इधर वाले पे भी दिखा दूँ, यहाँ पे भी खुरदरा नहीं है। जबकि अपने पास ये वाली कैम है, इसके अंदर यहाँ से खुरदरा है, यानी कि थोड़ा बहुत इसके ऊपर रगड़ लगाते हैं अपन तो यहाँ से खुरदरा महसूस होता है और यहाँ पे भी खुरदरा महसूस होता है, यानी कि इस वाले फेस के अंदर। तो इसके अंदर यही दिक्कत है। तो मैं इसके अंदर जो ये वाली कैम है ये इंस्टॉल करता हूँ और फाइनली पूरा फिट करने के बाद मैं आपको बाइक को स्टार्ट करके बताता हूँ जो इसका साउंड है वो क्लियर है या फिर उसमें कोई कमी है। मैंने जो इसमें कैम साफ थी वो भी बदल दी है और इसके टेपिट की सेटिंग वो बिल्कुल एक्यूरेट कर दी है। और यदि आप टेपिट की सेटिंग वाला वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे वहाँ से वॉच कर सकते हो। और फिलहाल के लिए मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट होने के बाद पहले किस प्रकार की साउंड आ रही थी, यानी बिल्कुल टाइमिंग चेंज जैसी साउंड आ रही थी। और इसमें जो ये वाली डाउल है ये भी अदर लगी हुई थी, यानी कि जो हमने स्टैंड में लगती है वो वाली डाउल है इसमें, तो इस डाउल की प्रॉब्लम थी और ये कैम यहाँ से भी कटी हुई थी। तो फिलहाल के लिए बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हो भाई, आप इसका साउंड सुन सकते हो, एकदम साउंड सही है, यानी कि इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कत थी, जो इसके इंजन में साउंड की प्रॉब्लम थी, वो इसकी थी, कैम शाफ्ट की वजह से इसमें साउंड की दिक्कत थी। तो ये देख सकते हो एकदम अपना इंजन साइलेंट है, यानी कि बाइक का इंजन साइलेंट है बिल्कुल, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत मैं आपको थ्रॉटल लेके भी दिखा देता हूँ पास से। तो ये देख सकते हो, यानी कि इंजन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं बाइक को बंद कर देता हूँ। तो आप इस प्रकार से यदि इंजन के अंदर साउंड हो, यानी कि आपको टेपिट टाइट करवाने के बाद में इसमें इंजन की साउंड दिखा रही हो, या टेपिट जैसी, या फिर इसमें टाइमिंग चेंज जैसी साउंड आ रही हो, तो आप एक बार जो इसके रॉकर सेट है और जो इसकी कैम शाफ्ट है उसके ऊपर भी विशेष रूप से फोकस कर लें। तो भाई वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।